सजाया जा रहा है। नो 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 नो, बेली आम है, क्या हुआ तुम्हें?7 AM in the morning and I just woke up. You can see I'm so my eyes look so tired. I just got around 5 hours of sleep, but it's okay. I'll just go back home and then I'll take rest. So now I'm getting ready for my shoot. I will be checking out from this place at around 1 PM in the afternoon. So I have very less time to shoot. So let's get ready. I'll see you in a while. ये इसलिए भोग रहा है क्योंकि यहाँ पर ये फूल साफ करने के लिए आए हैं। भोग रहे हैं। तो ये सुबह ऐसा दिखता है, इतना सुंदर लग रहा है। अच्छा तुम का ओहो ओहो, अपने आप निकलो निकलो, चलो चलो चलो। यस, गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय गुड बॉय। जो कल वाला शॉट है वो रीटेक कर रहे हैं बिकॉज वो उससे कनेक्ट हो रहा है, तो इसलिए मैंने सेम ड्रेस ही पहना है कल वाला। बट इतना सुंदर होके रखा है ना, वाओ। और दो ड्रेसेस से मेरा शूट है तो वो आके ही पहन के मैं करूँगी। ये कल से आज निकला है, मतलब वो रूम से आज निकला है क्योंकि कल इतनी गर्मी थी तो इसकी वजह से वो निकल नहीं पा रहा था। बट ये देखो, आई थिंक बारिश होने वाली है। और कल रात को मैं बहुत लेट से सोई, जैसे ही मैंने बोला था कि मैं सो रही हूँ उसके बाद तो सो नहीं पाई, इतना सडर हो रहा था। फिर रात को मैं हम लोग 1 या 2 बजे को जाके पेन किलर लेके आए, और पेन किलर लेने के बाद मेरा सर थोड़ा सही हुआ। इतना सडर हो रहा था क्योंकि बार बार ठंडा गर्म हो रहा था, क्योंकि हम लोग शूट करते थे बाहर और फिर अंदर आते थे चेंज करने के लिए, तो बस वेरी एग्जॉस्टिंग, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, मतलब सर फट रहा था। तो इट्स ओके, थिंग्स आर वेरी टायरिंग बट वी हैव टू डू इट फॉर आवर सेल्फ। शुरू करें। फोन क्यों लिया यार बाल मैंने? कैमरा ऑन कर दिया। ये आ रहा है हमारा ब्रेकफास्ट, सजाया जा रहा है। कहाँ भेज दिया इसको? परेशान करोगे तुम। अलमीरा के अंदर क्यों तंग कर रहे हो? परेशान करोगे आप? आ रही हो? चलो चलो बिना। बेल और ऊपर नहीं चढ़ सकते। सो स्टेकेशन खत्म हो गया है, वेकेशन भी खत्म हुआ है, शूट भी खत्म हुआ है, लेट्स गो बैक होम। इट्स वर्केशन। सारे ताम झाम लेके, इफ दिस वाजंट अबाउट द वर्क आई वुड हैव रियली एंजॉयड हियर। दिस इज अ वेरी गुड प्लेस एंड विल मिस दिस ग्रीनरी। दिल्ली में तो बहुत कचरा और कूड़ा मिलेगा। गुड बाय। यही बुलाती है साले। हाँ यही तो भोगोली है, ऐसा हालत। पर इनको रास्ता बनवाना चाहिए भाई। सबसे ज्यादा वेकेशन तो इसने मनाया, अबे पूरा रास्ता सोएगा। पिनट पोटी करो। मौसम तो बहुत अच्छा हो गया।
शांति नहीं है ना बिना तुम्हारा। कहाँ जाना है अभी? ना तुमने पोटी की, बस उसको करके वापस आ गए। उसको बाहर देखना है। आया, तो ये लड़की जा रही है कल, कल या परसों जा रही है, कनाडा जा रही है। उसका फेयरवेल चल रहा है, घर साफ हो रही है, बस दैट्स इट। तुम बार बार वो ठुक रहे हो। Done with my cleaning and it's 12 a.m. in the midnight. एक चीज बोलना चाहूंगी कि I have always hustled in my life. कि मुझे अभी ऐसा लगता है कि अगर हसल नहीं करूंगी तो मुझे अच्छा नहीं लगता है। मैं पूरी दिन कुछ ना कुछ करना होगा, मैं अपने काम के लेकर, मुझे अपना बिजनेस को लेकर सब चीज़ें मैं सोचती रहती हूँ। तो इट्स यही टाइम है कि मैं अपने लिए या फिर अपनी ड्रीम्स के लिए कर सकूँ। एंड आई नो कि बहुत ज़्यादा हैक्टिक होता है, आप मेरी देख सकते हो मेरी हालत, डार्क सर्कल्स पड़ रहे हैं और मैं ज़्यादातर सोती नहीं हूँ। आई एम ए वेरी लाइट स्लीपर। जो मेरे पिछले व्लॉग है उसमें आप देख सकते हो मुझे थोड़ा इंसोम्निया और स्लीप इश्यूज़ है। और अभी मेरी जो नई जर्नी शुरू हो रही है, ऐसा नहीं है कि मैं मर्जी के करूँगी, बहुत चीज़ें देख रही हूँ, सोच रही हूँ, समझ रही हूँ, जितना हो सकता है अपनी तरफ से दे रही हूँ। तो मुझे देख के लगता है कि मैं आई एम ऑलरेडी सक्सेसफुल, बट ऐसा नहीं होता है। जो इनसाइड स्टोरी होता है वो बहुत अलग होता है। मेरे पास ऐसा लाइफस्टाइल है विच आई हैव अर्नड इन माय लाइफ। जो मेरा सपना है उसको अचीव करने के लिए अभी भी बहुत टाइम है। 20 to 30 मुझे ऐसा लगता है कि यही टाइम है कि जो हमारे यंगस्टर्स है वो लोग हसल करते हैं। और इस टाइम पे ही बहुत मिड लाइफ क्राइसिस होता है कि क्या होगा लाइफ में, आगे जाके मैं क्या करूँगी, स्टेबल होंगी नहीं होंगी। हाँ, इस प्रेशर से ही आपको पता चलेगा कि आपकी एबिलिटी कितना है, आप कितना कर सकोगे, आप कितना पुश करते हो। आप अगर आपको लगता है कि आप इतना मेहनत कर रहे हो और अपना जो बेस्ट है वो दे रहे हो, एक दिन ज़रूर आपको वो चीज़ मिलेंगे। सबका अलग अलग स्ट्रगल स्टोरी है, तो उस स्ट्रगल स्टोरी से ही आपको पता चलेगा कि आपने पिछले टाइम पे क्या क्या किया और क्या चीज़ आप और अच्छा कर सकते हो। मैंने अपनी लाइफ एक्सपीरियंस से बहुत चीज़ें सीखा है और यही सीखा है कि नॉट बैकअप। सबका अपना अपना टाइम आता है, तो ट्रस्ट योर टाइम, जो कि उस टाइम पे आपको वो चीज़ मिल जाएंगी। बट अनटिल देन, जो उसके बीच में जो फेज होता है उसको स्ट्रगल फेज बोलते हैं। तो छोटे छोटे जो खुशियाँ मिलती है मुझे ऐसे, उससे ही मैं खुश रहती हूँ। और मुझे कुछ ज़्यादा बड़ा नहीं चाहिए। मेरी जो स्टोरी है आपके साथ रिलेटेबल है, डू कमेंट डाउन इन द कमेंट बॉक्स। मुझे अच्छा लगेगा आप लोग के कमेंट देख के, जो मेरी एज के हैं और जो स्ट्रगल कर रहे हैं इस टाइम पे और जो अपनी एक फ्यूचर बनाना चाहते हैं। एंड यस, कीप ग्राइंडिंग। यूट्यूब ऐसी प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप अपनी दिल की बात खुल के बोल सकती हो। मैं बहुत टाइम से नहीं कर पा रही थी क्योंकि मुझे कोई ऐसा प्लेटफॉर्म नहीं मिल रहा था, बहुत आर्टिफिशियल हो गया है। खुद को मैं इवॉल्व कर सकती हूँ। राइट नाउ आई एम गोइंग टू स्लीप, बहुत ज़्यादा थकान हो रही है। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, टेक केयर, लव you all, bye.